वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आज मेरी चप्पल यहाँ पे मौजूद नहीं है और मुझे नीचे नंगे पैर जाना पड़ रहा है और आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ जा रहे हैं। तो आज है जुम्मा, सबको जुम्मा मुबारक। और उसके अलावा आज हम लोग जल्दी उठ गए और हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, क्योंकि आनी है, आनी आनी को ले जाना है नाश्ता करवाने। लेकिन मेरी चप्पल नहीं मिल रही है अभी तक, किसी ने पहन ली है। जैनब और भाई लोग अभी तक सो रहे हैं, बल्कि यार मेरी चप्पल अभी तक नहीं मिल रही। जोहान उठ गया। हाँ यार मेरी चप्पल कहाँ गई। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कलाम टाइम ऐप। इट इज द बेस्ट अल्टरनेट ऑफ व्हाट्सएप। मेन फीचर्स रियल टाइम ट्रांसलेशन। अगर आप किसी फॉरेनर से बात करना चाहते हैं तो आपको जस्ट अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और वो किसी भी लैंग्वेज में बात करे तो आपको अपनी ही लैंग्वेज में मैसेज मिलेगा। मतलब ऑटो ट्रांसलेशन इज योर सिलेक्टेड लैंग्वेज। फीचर्स फ्री ऑडियो वीडियो कॉल। व्हाट्सएप ग्रुप कॉल में 8 पार्टिसिपेट अलाउ होता है, जबकि कलाम टाइम ऐप में अनलिमिटेड पर्सन से ग्रुप कॉल पर बात कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी तमाम फीचर्स मौजूद हैं, जैसे कि ऑडियो वीडियो लोकेशन डॉक्यूमेंट्स, हर तरह का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप लोग। सो गाइस, देर किस बात की है, जल्दी से ऐप को डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ जा रही हो तुम? गुड मॉर्निंग, उठ जाइए आप, हमारे साथ आप नाश्ता करने नहीं चल रहे। सोए जा रहे लड़के में, सोए जा रहे। टाटा टाटा जहान, बाय बाय। अल्लाह माफ करे, ऐसा लगा नींद से उठ के निकलने की करना शुरू कर दी, फिर तो मुंह भी नहीं धोया। सो गाइस, हम लोग पूरी पलटन के साथ निकल चुके हैं नाश्ते के लिए और अपनी आर्मी फोर्स तैयार कर रहे हैं। खैर हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं और बताना ये था कि गाड़ी में बैठ चुकी थी बट मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी और गाड़ी वाला चाह रहा था मुझे साइड देना बट वो नाकामयाब हो गया। तो बस नाश्ते की जगह पर जाकर मिलते हैं अब आप लोगों से। क्या एक्साइटमेंट है आपकी नाश्ते पर जाने की? एक्साइटमेंट क्या होगी, हम तो करते रहते हैं सर, बस मेरी बहन है बस के खुशी है। ओह माय गॉड, हेलो सिस्टर मम्मा की। 3 बजे बोल रही मुझे एंटरटेन करो। 3 बजे आनी बोल रही थी मुझे एंटरटेन करो। ट्राई कर, आई अब नहीं आऊंगी मैं, रुकने घर की मुझसे बातें कर, मुझसे बातें नहीं कर रही है, अब नहीं आऊंगी तेरे घर रुकने के लिए। तो भाई आप लोग को मैं बताऊं कि हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में हलवा पूरी खाने के लिए। ये जो फास्ट फूड में आए हम हलवा पूरी खाने, यहाँ की हलवा पूरी बहुत मज़ेदार है और मम्मा भी दे रही हलवा पूरी का ऑर्डर। और जो है ना क्या बोलते हैं, अफशानी इंतज़ार में है कि कब मुझे नाश्ता आए और मैं नाश्ता खाऊं, वरना मैं इस औरत का खून पी जाऊंगी जब मुझे रात में। और ये हमारी हलवा पूरी आ चुकी है जो कि आनी के मुंह से पानी टपकता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और मम्मा के मुंह से भी, और साथ में आप लोग को बताऊं मेरे मुंह से भी पानी टपक रहा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। मैं नाश्ता करूँगी और नाश्ता करने के बाद ही मिलूँगी, नाश्ते के बीच में व्लॉग भी बना सकती हूँ। और बताऊँ आप लोग को, जहान तो पहले से नाश्ता करना स्टार्ट हो गया था क्योंकि ये रो रो थो। आनी मैंने सुना है आपने रात का खाना 6 बजे खा लिया था। मैं कल तुम्हारी आई थी, कल से तुम लोगों ने मुझे भूखा रखा, आज खिलाया तुमने 6 बजे खाना क्यों खाया? 6 बजे कैसे देती, गरम गरम रोटियां थी, मैंने खा ले वो किसी फायदा उठाए। आनी सो सैड, कोई बात नहीं। नहीं मैंने कहा था खाना है, जिसने कहा चल भाई। अभी हम लोग नीचे उतरे हैं, ये सीढ़ियाँ बड़ी कोई डेंजरस है, और मैं एक बार से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नाश्ता करने वाली हूँ क्योंकि दोनों पैसे मुझे लगता है इस चप्पल से तो मैं स्लिप होना। आज नहीं आ रही क्या? और कुछ नहीं खाना, बस तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसके बाद भी और खाना चाहिए था।
आ चुके हैं घर और अब करेंगे जुम्मे की तैयारी और फिर मिलते हैं थोड़ी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, चाबी भी गिर गई। नाश्ता कर लिया तुमने? भाई तुम्हें समझा तुम लोग लाओगे। सॉरी, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे। सॉरी। और ये अचानक में कमरे से निकली हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मेरा इंस्टाग्राम जाके देखेंगे तो आप लोग को पता लग जाएगा। अगर आपको कोई कस्टमाइज केक बनवाना है तो आप इनसे बनवा सकते हैं। और आपने मुसानी से जो है ना, मुसानी केक इनका इंस्टाग्राम है, ये है इनका इंस्टाग्राम हैंडल, और इनका इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ कहीं लिखा हुआ है, ये है इनका इंस्टाग्राम हैंडल। तो अगर आपको ये बनवाना है तो आप इनसे बनवा लें और आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा बनाया इन्होंने। और अब मुझे एक और PR पैकेज आया जो कि पिन्नाता है और अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी। लेकिन मम्मा को जल्दी इतनी होती, मम्मा बोलती छोड़ो खोल देती हूँ मैं। और हम लोगों ने मिलकर पूरा कमरा जो है वो खाली कर दिया है। अच्छा जो ये डेकोरेशन की है मैं आप लोगों को बता दूँ, वैसे यूट्यूब पे मैं नहीं बताती, बट जब कोई चीज़ अच्छी होती है तो मैं चाहती हूँ कि भाई कोई प्रमोट हो रहा है तो खैर। अगर आपको ऐसी डेकोरेशन करवानी है तो आप लोग जो है इनका इंस्टाग्राम मैं आप लोग को बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ इनके इंस्टाग्राम का। केक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कपकेक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबका इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जा कर जो है ना, आप लोग उनको उनसे कुछ भी बनवा सकते हैं कस्टमाइज। सही है, क्या हो गया बेटा फारिस? तो बहुत प्यारा डेकोरेट किया। खैर आई एम हैप्पी कि मेरे 200 के यूट्यूब फॉलोवर बहुत जल्द 300 के भी हो जाएंगे। और यहाँ पे बैठे हुए बहुत ज़्यादा नेक लोग जो कि नेकी से तो बाहर ही नहीं आते, नेकियाँ कर करके इतनी नेकियाँ हैं ना माशाल्लाह से। एक नेकी, दो नेकी आने की, तीसरी नेकी, अभी इनकी एक ही नेकी है। नेक काम करने नानी ने तो माशाल्लाह 8 नेकियाँ की हैं, 7 नेकियाँ की है नानी ने माशाल्लाह से। नानी 10 के बराबर है बहन। और मैं कितनी नेकियां करूंगी, जितना साइज है मैं नॉन स्टॉप नेकियां। अम्मा अम्मा ने 4 नेकियां की हैं, नेकियां मम्मा तारीफ कर रही हैं। 4 नेकी की है ना आपने औलाद है, 1-2 औलाद नेक होती है, नेकी के तौर पे आप लोग को मिलती है ये खूबसूरत औलाद। कौन है ये औलाद तो हो ही जाती है। अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं, अल्लाह पाक नेक औलाद और नेक हिदायत दे मेरी औलाद। चलो मैं कोने पर बैठ जाऊं, अम्मा के दर्द शुरू हो गए हैं। कोई खुशी नहीं है कि कभी मम्मा ने मुस्कुरा के बोला हो मेरी बेटी तुम हो तो मैं हूँ। और मैं अरे देखो भागी भागी कैसे आ रही, भागी भागी आ रही, भागी भागी आ रही। वो तो मैं हूँ, ये नहीं बोलूँ कि मैं हूँ तो तुम हुई हो। मतलब कि आप मेरे होने ना होने से कितना खुश है। तुमने कभी ये जुमला बोला कि मम्मा आप हैं तो मैं हूँ, वरना मेरा कोई वजूद नहीं है। हमेशा शिकायत रहती है औलाद से, कौन सी माँ। मैंने मेरी दोस्तों की माओ को देखा है, वो अपनी औलादों की तारीफें कर करके थकती नहीं है। मुझसे नहीं, मेरी औलाद है ये, मेरी औलाद है वो, और मेरी माँ बोलती मेरी औलाद तो है। इस पे बीप लगेगा लेकिन आप बोलते हैं मैंने, आप बोलती मैं औलाद है ही बदतमीज। नहीं तो तंग करती है ना, तंग करती है। वो बोलती है हमारी औलाद तो इतनी जल्दी करा दी अपनी, मेरी औलाद सबसे ज्यादा लेट है ही, बिगाड़े ही अपने दोस्तों को मेरी औलाद ने। आप ये बोलती है, सच 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 बोलना चाहिए इंसान को। एग्जाम्पल तो किसके एग्जाम्पल, आप फुप्पो को देख लें, हमारी फुप्पो को दो ना, फुप्पो को देख लें, वो भी तारीफें करती हैं अपने बच्चों की। कोई बुराई है उनके अंदर, सिर्फ आप ही हमारी बुराइयां लेके बैठे थे, मेरी फुप्पो भी आपको बोलती है। आपके सब्सक्राइबर मंडिया की अम्मी को देख लें, क्या देखूं इसमें, वो भी कितना उसका ख्याल रखती है मंडिया का, उसको खाना देती है, उसके काम करती है। सही बात है,
देखेंगे ये सीख रही है आपकी औलादे और ये परवरिश कर रही है आपकी बहन। हाँ कैसी थी ये औरत? शादी से पहले तुम्हारी अम्मा बहुत अच्छी थी। शादी के बाद बुरी हो गई ना? नहीं शादी के बाद तो ये काम कर, शादी के बाद तो अपने शोहर से काम कराती है। नाटी वैसे भी मैं सोच रही हूँ अपनी नानी के लिए दूसरा नाना ढूंढने का। तोड़ दे इसका। क्यों मुंह सीधे जोर में क्या? नाना के इंतकाल को भी 21-22 साल होने वाले, नानी कब तक अकेले जिएंगी? बेटा मैं जी रही हूँ बच्चों, अपने बच्चों के लिए। मेरी बेटियाँ गलत बात करती है तो हमेशा करती है। नहीं आई एम सॉरी, नानी को 20 साल अकेले जीते हुए होगा। मैं चाहती हूँ कोई नाना आए अब। अच्छा। तुम्हारी शादी हो एक जुगाड़ की हो बस। अल्लाह मियां जल्दी से लोगों को मेरे, आप लोग मुझसे कितना बेदार है यार। जाओ अपने घर जाओ, हमारी जान छोड़ो। वैसे खुश देखना चाहते हैं। कितना खुश? अभी हम खुश हो गए आपके चक्कर में। अपनी शादी करने नहीं और नानी की शादी कराने की तैयारी कर रहे हैं। नानी की शादी में कोई प्रपोजल आ जाए तो क्या पता नाना का कोई नवासा हो और फिर मेरा भी टाइम पास फिट हो जाए। मतलब तुझे तेरे जोड़ यहाँ लगा के नानी की शादी हो तो नवासा मिले? नानी की शादी होगी तो फिर नाना के ही नवासा या वो पोता में से किसी में देख लूंगी। चप्पल ढूंढ रही है नानी की ना। अच्छा नानी की शादी कराएगी तू? नानी की शादी कराएगी है? तो आप लोगों को बताऊं कि मैंने सोचा है कि ये भी मैंने मन्नत से मंगवाया था तो मैं ये वाला ड्रेस पहन लेती हूँ। और ये बहुत सिंपल सा है बट एटलीस्ट ये कि मैंने कल भी ब्लैक पहना था और जो मैंने अभी पहना हुआ है वो भी ब्लैक है तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं ये पहन लेती हूँ। इसकी भी बहुत डिफरेंट है बट अच्छा है। खैर तैयार होती हूँ, बहुत लेट हो गया और फोटोग्राफर भी बेचारा कब से नीचे बैठा हुआ क्योंकि बाबा को दिखाती हूँ। बाबा इस वक्त लगा रहे हैं इस कमरे के पर्दे और बाबा बेचारे पर्दे लगाने में लगे हुए हैं। यहाँ का पर्दा लग गया है और ये डेकोरेशन है। खैर जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ। बेचारे मेरे बाबा, आई लव यू बाबा। बाबा आप एल्फी लेके आए थे? बाबा आप एल्फी लेके आए? अपनी जिंदगी एल्फी लाए आप? क्योंकि हम लोगों की ये इसने खाली ब्लॉग बनाया, एंटरटेन हम लोगों ने करा था, सपोर्ट करें। जॉनी बाबा तुम तैयार नहीं हुई? पप्पू तू अंदर क्यों हो गई? तैयार क्यों नहीं हुई? तैयार हो जल्दी। आप ही 200 मुबारक हो। 200 हाँ मैंने दिखाया है ब्लॉग में, इतनी बार दिखा दिया है मैंने ऑलरेडी। दिखा हमार लाया? हाँ हमार लाया, फजीला हमार लाया। कितनी गलत बात है ये। और हमार मेरे लिए केक लेकर आए हैं लेकिन इसके काम ही खत्म नहीं हो रहे हैं। मेरा कपड़ा अभी 20 तारीख का है, मेरा बिल्कुल मिल नहीं रहा है। डर गई थी क्या हुआ था? मेरा दिल पता है किस पे? इस पे कश्यप।
सर पे लग जाएगा। अम्मा तो हमने अपना फोन चार्ज कर दिया और ये 200 के जो मेरे हुए हैं ना ये इनकी वजह से हुआ। आओ जाना, लोग मुझे पसंद करते हैं, मैं गा दूंगी ये। क्या डब्ल्यू ग्यारह में ये बात है? देखो ज्यादा कंफ्यूज मेरी वजह से है, लोग हमारे को भी पसंद करते हैं। सो हां नहीं ज्यादा कंफ्यूज हम मां अब आए हैं थोड़े दिन पहले और पहले मुझे बुरा टाइम हो रहा है ये और अब मुझे बैठना है पढ़ने। और ये भी मेरा मन्नत का ड्रेस था यार, ये भी मन्नत का था। मन्नत वाले तो सोच रही होगी कौन लड़की है जो हमारी इतनी ज्यादा प्रमोशन कर रही है। सॉरी शीशा भी साफ करते हैं लेकिन शीशा गंदा हो जाता है और लोगों को जज मत करें प्लीज। आई एम अ बिग यूट्यूब क्या मेरी उसमें जो है ना भाई भी नहीं था, फारिस ने भी बदतमीजी दिखाई, तैयार होके निकल गया फटाफट शूट करवाया। मेरा नहीं हुआ आप ही के साथ, आप ही के साथ हुआ, मेरा अकेले नहीं हुआ उसका यकीनन अकेले हुआ होगा, यकीनन मेरे साथ हुआ अकेले हुआ मेरा नहीं ना मेरे साथ नहीं हुआ शूट अकेले हुआ उसका अकेले भी हुआ होगा यकीनन तुम्हारे उस भाई का। भाभी हमारे भी कब सूट आएंगे मन्नत से? आई थिंक 2-3 डेज में आ जाएंगे। सो गाइस आज के ब्लॉग को यहाँ एंडिंग करते हैं, आपकी बहन की एंडिंग करते हैं, आपकी बहन की 200 के होगा। बट पता है क्या, मेरी डेकोरेशन इतनी प्यारी थी, फोटोग्राफर भी बहुत अच्छा था, खैर मैं फीड पोस्ट दूंगी। डेकोरेशन और सारी चीज़ों के लिंक आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे गाइस। लेकिन आप लोग को ये बताऊँ मैं बहुत खुश हूँ, मेरा 200 के बहुत सादा सूदा हुआ है, गाने में हम लोगों ने इतने नहीं चलाए, बट मुझे सेलिब्रेट करना था आप लोगों की वजह से, क्योंकि 200 के तो आप लोगों की वजह से मेरे हुए हैं। और जितना मिले इंसान को उतना खुश होना चाहिए, और अगर जब मेरे 300 के होंगे मैं तब भी शायद सेलिब्रेशन करूं, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। 600 के 300 के तो बोलना ये था कि मुझे मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ और बहुत ज्यादा अपसेट भी हूँ। अपसेट इसलिए मतलब थोड़ी सी सैड जो है निकल रही, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैंने 200 के हो गए। और मैं ये सारी चीजें सिर्फ सोचती थी जब मेरे इत्तेफाक से 13,000 सब्सक्राइबर हुआ, तो मैंने कहा था कभी हो सकेंगे, लेकिन आई लव यू गाइस और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और गाइस मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ, आप भी सिर्फ बदतमीजी व्लॉग के चक्कर में कराती है, मैं कराती हूँ। आप भी बोलती है कि मजाक करो, अब मैं मजाक करती हूँ, आप लोगों को वो बदतमीजी लगती है, तो मैंने डिसाइड किया याद करने बैठो सब पहले दे वो टूट, तुम याद करने बैठो। अच्छा टूटी, बहुत टूटी, बहुत आई है वो, देखो डायन लग रही है दूसरे बेटे की लगी है। अल्लाह पीछे से हटी है ना, पीछे से हटी ओ लेट इज दैट आप अकेले में मिल देती है ये मेरे उसके लिए चीनी मुल्लों के लिए विशेष मैं और मैं बोलना चाहती हूँ कि अब मैं बदतमीजी करूंगी, डबल करूंगी बदतमीजी। सो गाइस ये ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं बता रही हूँ जितने भी लोग व्यूज देते हैं 1 मिनट लगता है लाइक करने में, लाइक का ऑप्शन आपके आपके लेफ्ट साइड पे नीचे नजर आ रहा होगा, और सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब जेब में चीजें भर के ले जा रहे हैं।